गाइस, एक और दिन और एक और बारी, फिर से वही काइंड ऑफ अ सिचुएशन मैं फेस कर रहा हूँ जो थोड़े टाइम पहले अपनी बुंटो डीजल के साथ फेस की थी। सो आज इसका भी जाने का टाइम आ गया। एंड चलो, थैंकफुली ये सेल नहीं कर रहे हैं, इसका जो अपना नेटिव हाउस है वहाँ पे ही लेके जा रहे हैं। तो मतलब ये जो काइंड ऑफ अ सिचुएशन होती है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट लाइफ है तो चल जाता है। अब क्या करूँ, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब आई डोंट हैव द वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। बट ये है कि पुंटो को तो बस मैंने किसी के और के हाथ में जाते हुए छोड़ दिया था, इसको मैं खुद छोड़ के आऊँगा तो एक वो वाली फीलिंग ठीक है कि हाँ चलो गुजारा हो जाएगा। बट अब ये जो आप पार्किंग स्पॉट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यू नो यहाँ तो ये एरिया खाली होगा या अपना ये बेबी इस साइड आएगा। हाँ, देखते हैं, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। एक चीज़ अब यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होगे कि ये ओपन है एंड इसका ये पार्ट मैंने बहुत टाइम पहले ही मंगवा के रख लिया था। सो ये पार्ट नंबर है, इनके से आप देखना चाहो। सो ये भी लगा देता हूँ मैं, सोचा था कुछ और काम भी करवाऊँगा बट अभी कुछ और होने का यू नो टाइम ही नहीं आया, ये सडनली ये प्लान बन गया। चलो कोई बात नहीं, ये करते हैं। लगने के बाद गाइस ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू हो गया प्रोग्राम। सो सही है यार, अब अच्छा लग रहा है। एक्चुअली पहले बहुत ही ज़्यादा बुरा और बेकार लग रहा था। चलो थोड़ा सामान है, कल बैग तो अंदर ही आएगा क्योंकि यहाँ तो फुल हो गया मामला। वाकई में गाइस, पुंटो डीजल को भगाने का जो मज़ा आ रहा ना मुझे इस मेरठ एक्सप्रेसवे में, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब ओनर है वो, उसने तो चलाया ही होगा। एंड ये हाईवे भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा बना हुआ है यार, सीनिक भी है। मतलब देखो यार आप नज़ारे देखो एंड साथ में इस गाड़ी का जो फन फैक्टर है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं ओवर स्पीडिंग नहीं करी, मैंने कॉन्स्टेंटली 100 पे ही इसको रखा है, 95, 100, 90, 100 इस टाइप से स्पीड रखी मैंने यहाँ पर इसकी थ्रू आउट। उससे मुझे एडवांटेज ये मिला कि मुझे ब्रेकिंग बहुत ही कम यूज़ करनी पड़ी एंड स्टेरिंग फीडबैक इज जस्ट ऑन द डिफरेंट लेवल की आपको क्या ही बताऊं यार। आज गाइस सीरियसली मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन बस ये आखिरी फिएट पुंटो डीजल की हाईवे राइड जो मैं कर रहा हूँ ये आखिरी है। मतलब टी जेट में यार ये वाली फीलिंग नहीं मिलती, पता नहीं क्यों। सो आ गया है टोल टैक्स यहाँ पे। सो थैंकफुली यहाँ पे फास्टैग है एंड गाड़ी में भी फास्टैग लगा हुआ है, बस मैंने इसका बैलेंस चेक नहीं किया था क्योंकि सारा का सारा प्लान यू नो सडनली था। सो अभी यहाँ पे पहुँचने के बाद देखते हैं कि बैलेंस है नहीं है, या तो फिर डबल गैस देना पड़ेगा तो बड़ी तरह यार।
घोर संकट है यार दुनिया में। नहीं पहले इसमें कुछ और आसान सिस्टम नहीं होना चाहिए थोड़ा, और इससे भी ज्यादा। वैसे तो ये ठीक है, फास्टैग में तो गाइस बैलेंस था नहीं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज ये तो कि आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। जो भी पैसे लेने के लिए बंदा आया था, तो उसने कहा कि आपको रिचार्ज करना है तो आप गाड़ी साइड में लगा के रिचार्ज कर लो और मुझे बस RC या DL हैंड ओवर कर दो, जैसे कि भाग हो रहा, मतलब आप समझ रहे हो। तो उससे मैंने रिचार्ज किया, और पहले रिचार्ज होने में बहुत देर लगती थी, अब तो फटाफट हो गया। तो फिर पहुंच गए गाइस मेरठ में, एंड अब बस गाड़ी को लेके जाना है जीजा जी के घर पे, एंड वहां से कहां पे पार्क होगी वो आगे देखते हैं। बेसिकली गाइज मैं जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर गाड़ी को पार्क करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि यहाँ पे तो जगह है कोई नहीं। इस गली में से पूरे रिवर्स करना ना कोई जोक नहीं है। बहुत ही टाइट प्रोग्राम हो जाता है यार। अभी भी यहाँ पे देखो रिक्शे, रेड़ियाँ और दोनों साइड पे गाड़ियाँ। कैंट की रोड है, आखिरी ड्राइव पे होंगे ऐसे इस पर्टिकुलर गाड़ी की आखिरी, बिल्कुल आखिरी ड्राइव। अभी बस वहां से घर से इसको वापस स्टार्ट करके अब जहां पे रखना है इसको बस वहां पे लेके जा रहा हूँ, एंड उसके बाद शायद मैं इसको कभी ना देख पाऊंगा। तो सेम वैसे ही लग रहा है जैसे पुंटो गई थी, तो सिमिलर काइंड ऑफ। बट देखो इस गाड़ी को मैंने ज़्यादा चलाया नहीं, लेकिन ये थी इतना था कि अपने पास ही है तो माइंड में ना टेंशन बड़ी कम रहती थी। सो अब बस जो आया था उसमें जाना तो है ही है। सो अब लीनी और नैनो है अपने पास बाकी। नो मल्टी जेट डीजल, ओनली पेट्रोल्स, टी जेट टर्बो पेट्रोल और नैनो का प्यारा सा छोटा सा 624 cc ट्विन सिलेंडर, अब उसी से मजे लेने हैं। तो मल्टी जेट का बूस्ट, जो आवाज है ना यार ये बड़ी ना मेमोरी लगती है मुझे, सीरियसली दिस साउंड, दिस फील है जो कड़कड़ कड़कड़ है, वो बड़ा मैं मिस कर रहा हूँ यार। पहुंच गए हैं होटल पे, कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से ये वाला गेट खोल के इसके अंदर लगेगी गाड़ी, आई थिंक यहीं पर ही बंद लग रहा है होटल, एंड उसके बाद ही कह रहे हैं रूम्स अवेलेबल, आई डोंट नो। सो अपना ये बेसिकली होटल जीजा जी का मेरे। सही है ना। ऑलराइट पुंटो, अपना साथ इतना ही था, चलो